दोस्तों, क्या हो अगर आप मेल हो और आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पीरियड आने लगे। आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही 14 साल के लड़के के बारे में है जिसे पीरियड्स आने लगते हैं, जिसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है ये आपके होश उड़ा देगा। तो पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को कान में हेडफोन लगाकर एंड तक जरूर देखे। कहानी की शुरुआत में हमें वावा नाम के एक 14 साल के लड़के को अपने बेड पर दर्द से तड़पते हुए दिखाया जाता है। वावा के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तभी उसकी मॉम उसके कमरे के दरवाजे पर आती है और उससे पूछती है कि तुम दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हो, जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चले आओ। जिसके बाद वावा अपने कमरे से बाहर आकर अपने मॉम डैड के साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है, लेकिन उसके पेट में अभी भी दर्द हो रही थी, इसीलिए उसकी मॉम उसे पेट दर्द की दवाई देती है। इसके बाद वावा अपने स्कूल चला जाता है। वो जब स्कूल में बैठा था तभी उसे बहुत जोरों की टॉयलेट लग जाती है। वो क्लास बीच में ही छोड़कर बाथरूम चला जाता है। उसकी नजर जब उसके यूरिन पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है। तभी वहाँ पर उसके क्लास में पढ़ने वाले दो तीन लड़के आ जाते हैं, जो यूरिन सिंक में ब्लड देखकर वावा से कहते हैं कि तुम्हारे तो पीरियड्स चल रहे हैं। स्कूल के बाद जब वावा अपने घर जाता है तो वो अपने यूरिन में आ रहे ब्लड का रीजन जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि यूरिन में ब्लड आना ब्लैडर कैंसर की सिम्टम है। ये खबर जानने के बाद वावा बहुत डर जाता है और उसे लगने लगता है कि अब वो कैंसर की वजह से बहुत जल्द मर जाएगा। लेकिन वावा अपने बीमारी के बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताता और अपने मॉम डैड के साथ बैठकर लंच करने लगता है। तभी उसे एक बार फिर से बहुत ही जोर की टॉयलेट लगती है। वावा जिस तरह से खाना बीच में छोड़कर बाथरूम गया था, उसे देखकर उसकी मॉम भी उसके पीछे बाथरूम में चली जाती है। डोर ओपन होने की वजह से वावा की मॉम उसके यूरिन में ब्लड को देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर वावा के डैड भी भागते हुए आते हैं। फिर उसके मॉम और डैड उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक डॉक्टर वावा का चेकअप करती है। लेकिन चेकअप के बाद डॉक्टर बताती है कि ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये बस एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन है। डॉक्टर दवा देकर वावा को घर भेज देती है। नेक्स्ट डे वावा जब अपने स्कूल जाता है तो उसके क्लास के लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पीरियड्स खत्म हो गए। घर लौटते वक्त वावा एक स्टोर में जाता है और वहाँ से एक मैगजीन खरीद कर उसे अपने साथ घर ले आता है। फिर रात को वावा उस मैगजीन में बने फोटोज को देखकर बहुत खुश होता है। अब हमें ऑलमोस्ट एक महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। वावा जब स्कूल में था तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो अपने पीटी टीचर से कहता है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, पहले तुम दौड़ोगे और फिर कहीं जाओगे। जिसके बाद वो दौड़ने लगता है, लेकिन वो थोड़ा ही दूर दौड़कर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद उसके पीटी टीचर उसे अपने कंधे पर उठाकर उसे अपने साथ स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाते हैं। लेकिन जब वो वावा को स्ट्रेचर पर लेटाते हैं तो डॉक्टर वावा के पैंट में लगे ब्लड को देखने के बाद उससे कहती है कि इसे तो पीरियड्स हो रहे हैं। जिस पर टीचर कहते हैं कि ये तो एक लड़का है, इसे पीरियड्स कैसे हो सकते हैं। मामला गंभीर था, इसीलिए वो लोग वावा के पेरेंट्स को फोन करके सारी बात बता देते हैं। खबर सुनते ही वावा के मॉम डैड स्कूल पहुंच जाते हैं और उसे उठाकर दोबारा से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। इस बार वो उसे एक दूसरे बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहां सबसे पहले उसका सिटी स्कैन किया जाता है। इसके अलावा उसका और भी कई तरह का जांच किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर ली, जो वावा को डायग्नोस कर रहे थे, वो वावा के पेरेंट्स को अपने पास बुलाते हैं। वावा भी उनके साथ आता है, लेकिन डॉक्टर वावा के पेरेंट्स से अकेले में बात करना चाहते थे, इसीलिए वो अपने ट्रेनी को वावा के साथ वहाँ से भेज
देते हैं। वावा के वहाँ से जाने के बाद डॉक्टर उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपके बेटे को कैंसर जैसा कुछ नहीं है, लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही रेयर है और ये उसके उम्र बढ़ने की वजह से हो रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि इंसानों में तीन तरह के जेंडर पाए जाते हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, लेकिन आपका बेटा एक इंटरसेक्स है। ये सुनने के बाद वावा के पेरेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इंटरसेक्स किसे कहते हैं। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके बेटे वावा के पास एक नहीं बल्कि दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक मेल और दूसरा फीमेल का। बाहर से तो देखने में वो बिल्कुल किसी नॉर्मल इंसान की तरह दिखता है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर एक पूरा यूटेरस और ओवरी सिस्टम मौजूद है और उसका वजाइना डायरेक्ट उसके पेनिस से कनेक्टेड है, इसीलिए मैच्योर होने की वजह से उसके पेनिस से पीरियड्स आ रहे हैं। वावा की मॉम डॉक्टर से पूछती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि पहले तो हम उसका क्रोमोसोम टेस्ट करेंगे और उसके बाद उसकी सर्जरी होगी, अगर उसमें XY क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा रही तो हम उसके अंदर से यूटेरस और ओवरी को निकाल कर उसे मेल बनाएंगे और अगर एक्सेस ज्यादा रहा तो हम उसके पेनिस और टेस्टिकल्स को निकाल कर उसे फीमेल बना देंगे। इसके बाद वावा के पेरेंट्स उसे अपने साथ लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। तभी वावा उनसे पूछता है कि क्या मुझे कैंसर है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बस एक नॉर्मल सा यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, बाकी सब नॉर्मल है। नेक्स्ट डे वावा के पेरेंट्स उसे वापस से हॉस्पिटल लेकर आते हैं और डॉक्टर से वावा के क्रोमोसोम के रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं। रिजल्ट में वावा के बॉडी में XX क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा पाई गई थी, इसीलिए वावा को हॉस्पिटल में उसके सर्जरी के लिए एडमिट कराया जाता है, लेकिन वावा को ये नहीं पता होता कि उसका सर्जरी होने वाला है। मेडिकल की दुनिया में ये चीज पहली बार हुआ था और ये केस डॉक्टर ली के साथ साथ उसे रिपोर्ट करने वाले सारे स्टूडेंट की जिंदगी भी बदल सकती थी, इसीलिए वो स्टूडेंट वावा के पेनिस की सर्जरी से पहले की फोटो लेने लगते हैं, जिससे वावा बहुत घबराने लगता है, इसीलिए वावा के डैड डॉक्टर को ऐसा करने से मना करते हैं। इसके बाद उसका ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ऑपरेशन के बाद जब वावा को पता चलता है कि उसके पेनिस को निकाल कर वहाँ पर वजाइना को बनाया गया है तो वो बहुत दुखी होता है और बहुत रोता है। दोस्तों, अगर आपका सर्जरी करके आपको मेल या फीमेल बना दिया जाए तो आपके लिए ये कैसा होगा, ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, अपना राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। आज वावा का बर्थडे था, वावा के बाल अब बड़े हो चुके थे, वो अब एक कंप्लीट लड़की बन चुका था। उसके पेरेंट्स ने अब उसे एक लड़की की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था और उसका नाम भी वावा के जगह जाई कर दिया था, लेकिन वावा का दिल दिमाग और सोच अभी भी लड़कों वाली ही थी। जाई के डैड उसे बर्थडे गिफ्ट में उसे एक डॉल ला कर देते हैं, जिसे वो जला देती है। इसके बाद जाई के पेरेंट्स उसे लेकर एक नए शहर में शिफ्ट हो जाते हैं ताकि कोई भी जाई को पहचान कर उसे परेशान करना ना शुरू कर दे। जाई के पेरेंट्स उसकी आइडेंटिटी छुपा कर उसका एक स्कूल में जाई के नाम से एडमिशन भी करवा देते हैं, लेकिन जाई इन सब से थोड़ा भी खुश नहीं थी। स्कूल जाने से पहले जाई की माँ उसे ब्रा ला कर देती है और उसे ब्रा पहनना सिखाती है, लेकिन जाई को वो पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसे निकाल देती है। नेक्स्ट डे जाई अपने स्कूल में जाती है तो उसके टीचर उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जाई को अपना नाम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरन उसे अपना नाम उन लोगों को जाई ही बताना पड़ता है, जिसके बाद टीचर जाई को टियान नाम की एक लड़की के साथ बैठा देती है और उसे जाई की पढ़ाई में हेल्प करने को कहती है। अगले दिन जब टीचर क्लास में सारे बच्चे को पढ़ा रहे थे तो जाई बैठकर टियान को घूर रही थी। तभी टियान देखती है कि जाई को ब्लीडिंग हो रही है। ये देखते ही जाई वहाँ से घबराते हुए बाथरूम के तरफ भागती है, लेकिन वो गलती से मेल बाथरूम में चली गई थी। तभी एक लड़का उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये मेल बाथरूम है, फीमेल नहीं। जिसके बाद जाई फीमेल बाथरूम में जाती है और ब्लड को साफ करने के बाद स्टेन को छुपाने के लिए अपने कोट को उतार कर कमर में लपेट लेती है। फिर जब जाई अपने क्लास में वापस लौटती है तो वो देखती है कि टियान उसके चेयर में लगे ब्लड को साफ कर रही थी।
जायु उसे थैंक यू कहती है तो वो उससे पूछती है कि तुम सैनिटरी पैड लेकर क्यों नहीं आई, जिस पर वो कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था। स्कूल के बाद तियान उसे अपने साथ एक स्टोर में लेकर जाती है और उसे सैनिटरी पैड्स दिलाती है। इसके बाद जायु उसके साथ ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। तियान अपने तरफ से जायु को एक ड्रेस भी गिफ्ट करती है। नेक्स्ट डे जब जायु स्कूल आती है तो उसके टेबल पर चोई नाम के एक लड़के ने लव लेटर और बहुत सारे गिफ्ट भी रखे थे, जिसे देखकर सभी लड़कियां जलने लगती है क्योंकि ये वही लड़का था जिसके पीछे पूरे स्कूल की लड़कियां पागल थी। लेकिन जाय को ये सब अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उन गिफ्ट को उन्हीं लड़कियों में बांट देती है क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। घर आकर जाय एडल्ट मैगजीन पढ़ने लगती है और तभी उसे एहसास होता है कि अब वो कोई लड़का नहीं एक लड़की है। इसके बाद वो टियान को मैसेज करती है और उससे पूछती है कि क्या कल तुम मेरे घर मुझसे मिलने आओगी। टियान कहती है हाँ क्यों नहीं। जाय एक्साइटमेंट में ये खबर जाकर अपनी मॉम को बताती है। मॉम कहती है कि तुम्हें लड़की नहीं लड़के पटाने चाहिए और तुम्हें घर का काम वाम भी सीखना होगा ताकि तुम शादी के बाद अपने घर को संभाल सको और अपने हस्बैंड और बच्चों का ख्याल रख सको। ये सुन के जाय रोने लगती है और कहती है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, दुनिया में इतने सारे लोग थे, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा मॉन्स्टर क्यों बना दिया। नेक्स्ट डे जब लंच के बाद जाय वॉशरूम जाती है तभी सुंग उसके बैग में लेटर ढूंढने लगती है जिसे कल उसे चोई ने दिया था। सुंग चोई को पसंद करती थी। टियान उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो नहीं सुनती, जिसके बाद टियान उससे ज्यादा इंसिस्ट भी नहीं करती क्योंकि सुंग उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। सुंग को जाय के बैग में कुछ नहीं मिलता लेकिन कुछ दवाइयां मिल जाती है जिसकी वो फोटो लेकर टियान से कहती है कि मैं इसे अपने चाची को दिखाऊंगी, उन्हें पता होगा कि ये किस चीज की दवाई है। स्कूल के बाद वो दोनों जाय के घर जाते हैं जहाँ टियान जाय के मॉम से मिलने के बाद उसके कमरे में जाती है। टियान वहाँ पर जाय के कंप्यूटर को देखकर उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे कंप्यूटर में वीडियो गेम खेल सकती हूँ, जिस पर जाय कहती है हाँ क्यों नहीं। लेकिन वो जैसे ही कंप्यूटर ऑन करती है उसे जाय के डेस्कटॉप पर उसका पहला फोटो दिखाई देता है जब वो लड़का हुआ करती थी। टियान उससे पूछती है कि ये कौन है तो वो बताती है कि ये मेरा भाई है जो कुछ दिन पहले ही मर गया। ये बात सुनकर टियान जाय को गले लगाती है और दुख जताती है। टियान का उसे गले से लगाना जाय को बहुत पसंद आता है। फिर रात को जब टियान अपने घर पर थी तभी सुंग उसे फोन करती है और बताती है कि मुझे जाय के बैग में जो टैबलेट्स मिले थे वो डिप्रेशन का टैबलेट था, उसे डिप्रेशन है। जिसके बाद टियान सोचती है कि शायद अपने भाई की मौत के बाद जाय डिप्रेशन में चली गई, इसीलिए उसे उसका खास ख्याल रखना चाहिए। टियान उसे मैसेज करके बताती है कि कल मेरा बर्थडे है, हम साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट डे जाय और टियान एक बस में बैठकर कहीं जा रहे थे तभी जाय के बगल में एक आदमी आकर बैठता है और उसे गलत तरीके से टच करने लगता है। जाय ये बात टियान को बताती है तो वो उसके मुंह पर क्लीनर फेंक देती है। इसके बाद वो दोनों टियान के मॉम से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ टियान के मॉम अपने शो के लिए तैयार हो रही थी। टियान की मॉम एक ओपरा सिंगर थी। जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता दूं। इस तरह की आवाज निकालकर गाना गाने वाले को ओपरा कहते हैं। जाय टियान को उसके बर्थडे के मौके पर उसे एक इयररिंग गिफ्ट में देती है। टियान को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है लेकिन उसकी माँ को वो पसंद नहीं आता और वो जाय के गिफ्ट का मजाक उड़ा देती है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाते वक्त टियान जाय से अपने मॉम के बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और फिर उससे कहती है कि मेरे डैड ने मेरे मॉम को छोड़कर किसी और से शादी कर ली, जिसके बाद मेरी मॉम ऐसी हो गई और फिर उन्होंने ओपरा गाना शुरू कर दिया। टियान कहती है कि ये मेरा सीक्रेट था जिसे मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं बताया, तुम भी इसे किसी को मत बताना। उसकी बातों को सुनने के बाद जाय सोचती है कि टियान कितनी अच्छी है, वो मुझे अपना सीक्रेट बता रही है, मुझे भी उसे अपने बारे में सब बता देना चाहिए, इसीलिए
वो टियान को बता देती है कि पहले मैं एक लड़का हुआ करती थी, लेकिन मेरा सर्जरी करके मुझे लड़की बना दिया गया। टियान उसके बातों को समझ नहीं पाती तो वो उसे सारी बातें अच्छे से बताती है कि मेरे पास मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम थे, इसीलिए मेरा ऑपरेशन करके मेरे बॉडी से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को निकाल कर मुझे फीमेल बना दिया गया। जाई को एक पल के लिए लगता है कि ये जानने के बाद टियान उससे दोस्ती तोड़ देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। उल्टा वो उसे गले लगाकर कहती है कि तुम हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहोगी। फिर अगले दिन जब स्कूल के सारे बच्चे स्कूल की साफ सफाई कर रहे थे, तभी चोई जिसने जाई को लेटर दिया था वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम आराम करो, तुम्हारा ये काम मैं कर देता हूँ। जिसके बाद जाई सुंग के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं, जिस पर वो उसे धक्का देकर उसे वहाँ से जाने को कहती है। दरअसल सुंग चोई के पीछे पड़ी थी, लेकिन चोई जाई के पीछे, इसीलिए वो जाई से नफरत करती थी। लेकिन टियान को सुंग का बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसीलिए शाम को वो उसे नदी के पास मिलने के लिए बुला लेती है और उसे समझाती है कि तुम्हें जाई से नफरत नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसे अच्छे से पेश आना चाहिए। जिस पर सुंग कहती है तुमने देखा ना कि जाई के वजह से चोई मेरे तरफ देखता भी नहीं। जिसके बाद टियान कहती है कि अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो तुम कभी किसी से कहोगी तो नहीं। सुंग कहती है कि हाय पगली, ये तुम कैसी बातें करती हो, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। टियान उस पर भरोसा करके उसे बता देती है कि जाई के पास दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, पहले वो लड़का हुआ करती थी लेकिन उसका सर्जरी करके उसे लड़की बना दिया गया, इसीलिए हमें उसका खास ख्याल रखना चाहिए। वुमेन। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज जब जाई स्कूल आती है तो स्कूल के सारे बच्चे उसे बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर जब वो अपने क्लास में जाती है तो वो टियान को रोते हुए देखती है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो टियान उससे माफी मांगने लगती है। तभी वहाँ पर सुंग आकर उससे कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम एक ट्रांसजेंडर निकलोगी। ये सुनते ही जाई के चेहरे का रंग उतर जाता है और सारे लोग उसे चिढ़ाने लगते हैं, इसीलिए वो रोते हुए बाथरूम में भागती है। लेकिन तभी वो कुछ सीनियर से टकरा जाती है, जिसके बाद वो सीनियर उसे वहाँ से भगाने लगते हैं और कहते हैं कि ये गर्ल्स का बाथरूम है, किसी लेडी बॉय का नहीं। इसके बाद वो लड़कियां जबरदस्ती उसे पकड़कर उसके अंडरवेयर उतारकर उसे चेक करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर टियान आ जाती है और उन सबको ऐसा करने से रोकती है। जाई रो रही थी इसीलिए टियान उसे गले लगाती है, लेकिन जाई उसे धक्का देकर रोते हुए स्कूल से सीधे अपने घर चली जाती है। उसकी मॉम उसे रोता हुआ देखकर पूछती है तो वो कुछ नहीं बताती और अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। टियान जब स्कूल आती है तो जाई आज स्कूल नहीं आई थी। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आती है और उन सब को बताती है कि तुम लोगों के परेशान करने की वजह से जाई अब स्कूल नहीं आएगी। इधर जाई अपने कंप्यूटर में गेम खेल रही थी। उसने दो दिनों से खुद को कमरे में बंद रखा था। मॉम के हजार कोशिश करने के बाद भी वो डोर नहीं खोलती, इसीलिए मॉम डॉक्टर ली को फोन करती है और जाई के साथ स्कूल में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि मैं अभी यूएस में सेमिनार देने के लिए आया हूँ, मैं जब तक वहाँ नहीं आता तब तक आप उसका चेकअप करवा लो। डॉक्टर ने जाई के केस और उसके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत नाम कमाया था, अब उसे देश विदेश के डॉक्टर जाने लगे थे। अब हम जाई को अपने मॉम के साथ उस शहर को छोड़कर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि अब उसके बारे में सबको पता चल गया था। वहाँ से जाते वक्त जाई अपना फोन चेक करती है तो उसे टियान के बहुत सारे मैसेज आए थे, लेकिन वो उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती और उसका नंबर भी डिलीट कर देती है। नेक्स्ट डे जाई अपने मॉम के साथ हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर ली का ट्रेनिंग जो जाई के केस को स्टडी कर रहा था वो कहता है कि एस्ट्रोजन ने तो तुम्हारे शरीर पर अच्छा असर दिखाया है। जाई पूछती है लेकिन मैं तो डिप्रेशन की गोलियां लेती हूँ। तभी उसे पता चलता है कि डॉक्टर के कहने पर
जाई की मॉम उसे डिप्रेशन के बोतल में एस्ट्रोजिन की गोलियां दे रही थी ताकि वो पूरी तरह से लड़की बन जाए और बच्चे पैदा कर सके। लेकिन ये जानकर जाई को बहुत दुख होता है क्योंकि उस दवाई से जाई को कोई दूसरी गंभीर बीमारी भी हो सकती थी। इसके बाद डॉक्टर जाई का सिटी स्कैन करके उसे घर भेज देते हैं। लेकिन देर रात अचानक से जाई की नींद खुलती है तो वो रोने लगती है और चिल्लाने लगती है क्योंकि वो अपने सपने में खुद को समंदर में डूबते हुए देख रही थी। उसकी आवाज सुनकर जब उसके मॉम डैड वहाँ आते हैं तो वो उनसे पूछती है कि आप लोगों ने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो तुम्हें कैंसर हो जाता। जाई कहती है कि आप लोगों ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे क्या बनना है। जाई अपने पेरेंट्स पर बहुत गुस्सा होती है और उसे अपने पेरेंट्स होने पर बहुत कोसती है, जिससे कि उसके पेरेंट्स भी बहुत रोते हैं। नेक्स्ट डे जाई को डॉक्टर ली से मिलने के लिए जाना था, लेकिन वो अपने मॉम से कहती है कि मैं अकेले जाऊंगी। वो अकेले ही डॉक्टर ली के घर उनसे मिलने पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि आप मुझे एस्ट्रोजिन क्यों दे रहे थे। डॉक्टर कहते हैं ताकि तुम एक कंप्लीट लड़की की तरह दिखने लगो, जिस पर जाई कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये मेरे हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मैंने तुम्हारे फ्यूचर के लिए किया ताकि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम बच्चे पैदा कर सको। जाई कहती है अगर मैं सर्जरी नहीं करवाती तो मैं पूरे लाइफ वैसे ही रह सकती थी। डॉक्टर कहते हैं लेकिन तुम लड़के होने के बावजूद भी अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। जाई कहती है कि सर्जरी से पहले मैं बहुत अच्छी थी लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि सोसाइटी में बस दो तरह के लोग होते हैं, मेल या फीमेल। सर्जरी से पहले तुम कुछ भी नहीं थी, मैंने तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बनाया है, इसीलिए तुम अब मुझे ब्लेम करना बंद करो। तभी वहाँ पर डॉक्टर ली की मदर आ जाती है तो जाई वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते डॉक्टर से कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हारी कर दूंगी। दरअसल डॉक्टर अगर चाहते तो वो जाई को लड़कर रहने दे सकते थे, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से जाई का केस दुनिया के सामने नहीं आता और वो इतना फेमस नहीं होते। इस काम में जाई के पेरेंट्स ने भी डॉक्टर का साथ दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसके बेटे को कैंसर हो या उसके बच्चे ना हो। इसके बाद जाई एक फ्लावर स्टोर में जाती है और वहाँ से एक बुके लेकर अपनी मॉम को ले जाकर दे देती है। जाई की मॉम फ्लावर लेकर बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि शायद मेरी बेटी ठीक हो रही है। फिर जाई अपने कमरे में जाती है और एक ब्यूटीफुल ड्रेस को पहनकर अपना मेकअप करने लगती है। वो खुद को लड़कियों की तरह तैयार करके पूरे कमरे में लड़कियों का परफ्यूम छिड़क देती है और खूब डांस करती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी में आगे जाई के साथ क्या हुआ ये हमें मूवी में नहीं दिखाया जाता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जाई ने खुद को लड़की के रूप में एक्सेप्ट कर लिया होगा या फिर उसने खुद को खत्म कर लिया होगा। खैर आगे क्या हुआ इसका सही अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। वैसे इस मूवी को जिस तरह से खत्म किया गया है वो इसके सेकंड पार्ट के तरफ भी इशारा करता है। अगर इसका सेकंड पार्ट आता है तो मैं उसे आप लोगों के लिए जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इसके सेकंड पार्ट को मिस करना नहीं चाहते तो आप इस वीडियो को लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि मेरे सेकंड पार्ट अपलोड करते ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। सो विल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन किया था, जिसे आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख ले। थैंक्स टू, गुड बाय।